यशस्वी पुरुषामागे स्त्रीचा हात असतो असं म्हटलं जातं, पण आता आम्ही जी बातमी दाखवणार आहोत ती पाहून यशस्वी स्त्रीमागे एका पुरुषाचा हात असतो असं तुम्ही म्हणाल. भारतामध्ये असेही पुरुष आहेत जे बहीण, पत्नी आणि मुलीला सशक्त करण्यासाठी पावलोपावली त्यांची साथ देतात, आणि अशाच दोन पुरुषांची आज कहाणी. बॉक्सर कविता चहलचे वडील आणि पती. वडिलांनी मुलीला स्वप्न पाहण्यापासून कधीच रोखलं नाही आणि ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पतीनंही मदत करताना कधीच हात आखडता घेतला नाही. हरियाणातल्या एका लहानशा गावातून निमरीमधून आलेल्या कविताला बॉक्सिंग रिंगपर्यंत जाणं सोपं नव्हतं. लोकांचे टक्के टोंडपे सहन करत ती आज इथवर पोहोचली. कविताच्या वडिलांनी तिला नेहमीच साथ दिली. घरवाळू ने मना किया, माँ ने मना किया कि नहीं गेम बॉक्सिंग गेम लड़कियों का थोड़ी है, चोट वगैरह लग जाएगी. गांव से तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है. गांव वाले बोले क्या कर रहा है बेटी के साथ, ये बिगड़ जाएगी, इसको क्यों बाहर भेज रहा है, बॉक्सिंग क्या कोई गेम है. फिर पापा ने किसी की भी नहीं सुनी. पापा सब बस यही कहता था सबसे कि मेरा सपना यही पूरा कर सकती है, क्योंकि पापा का सपना था अवार्ड, अर्जुन अवार्ड लेना और एक बड़ा प्लेयर बनना. कवितानं बॉक्सिंगचे गुण घेतले ते म्हणजे वडील भूप सिंग यांच्याकडून. भूप सिंग भारतीय सैन्यात बॉक्सिंग खेळायचे. द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेता जगदीश सिंग यांच्याकडून कवितानं बॉक्सिंगचे धडे घेतले. 18 वर्षांची असल्यापासूनच ती बॉक्सिंगचं प्रशिक्षण घेते. 2006 में शुरू की थी बॉक्सिंग. उस टाइम नेशनल में मैं सेकंड आई, फिर 2007 में फिर मैं फर्स्ट आई, 2000 नेशनल चैंपियनशिप में, 2008 में फिर मैं नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट आई. राष्ट्रीय स्तरावर आजवर कवितानं 28 सुवर्ण, 2 रजत आणि 3 कांस्य पदक मिळवली आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 2 सुवर्ण, 2 रजत आणि 7 कांस्य पदकाची तिनं कमाई केली आहे. जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाची बॉक्सर राहिलेल्या कविताला 2013 अर्जुन अवॉर्डनं सन्मानित करण्यात आलं. अर्जुन अवॉर्डनं सन्मानित करण्यात आलेली ती देशातली तिसरी महिला आहे. 2014 हरियाणा सरकारनं तिला भीम अवॉर्डनंही सन्मानित केलंय. मैंने 2 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप में और 3 एशियन चॅम्पियनशिप में और 2 फिर वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड है और 7 नॅशनल चॅम्पियन हूँ और 8 वर्ल्ड कप. मुलं झाल्यावर काही वर्ष कविता बॉक्सिंग पासून दूर होती, पण पती सुधीर कुमारनं तिला हिम्मत दिली आणि ती पुन्हा उभी राहिली. अमेरिकेतल्या लॉस एंजलिस मध्ये विश्व पोलीस खेळात कवितानं सुवर्ण पदकाची कमाई केली आहे. इथवर पोहोचणं कवितासाठी सोपं नव्हतं असं तिचे कोच सांगतात. कविता एक बच्चे होने के बाद यहाँ पर आई है, घर से निकल के बाहर आ रही है बॉक्सिंग के लिए, सिर्फ बॉक्सिंग के लिए. ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा जैसी जगह पर होकर के उनके पापा ने सपोर्ट किया उसके लिए कि जाओ आप बॉक्सिंग करो. हम हमारे सीनियर बॉक्सर से बहुत इंस्पायर होते हैं. जैसे हम देखते हो अब भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग करती है, एक माँ होने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है. हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश का नाम रोशन करें. जो कविता चहल दीजिए बहुत अच्छे बॉक्सर हैं और अच्छे इंसान भी है. सबको सिखाती है, हमें बच्चे हम भी सीखने आए, हमें अच्छा सिखाती है. इच्छा शक्ति का जोरावर तुम्हें यश मिलू शकता हेच कविता ने दाखवून दिले. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई.